मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मिला है। ये जजमेंट कहता है यदि कोई आवेदक संविधान पूर्व अवधि के प्रामाणिक और वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है जिसमें दिखाया गया है कि वह एक आदिवासी समुदाय से है तो उनके दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। इसमें तो हम भी हैं, 1950 के पहले हम भी ट्राइब थे। इसी आधार पर आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने की क्यों नहीं तैयार? आ जाएंगे जाएंगे। अब हम लोग को मिला है, अब एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में और ये जजमेंट हमारा मामला को समर्थन करता है। आज भी हमको लड़ना पड़ रहा है, हमारे समाज को लड़ना पड़ रहा है और ये बहुत दुर्भाग्य है। एमएलए का ये विधानसभा उसमें 42 MLA साइन करके दिया, जो लोग समर्थन किया उसमें उन लोगों ने साइन किया। लेकिन दादा ये सारी बातें जो आप पीछे के इतिहास बता रहे हैं, लेकिन आज उस इतिहास को वर्तमान में जो नेता कोई भी मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, आपके पक्ष में खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा लड़ाई डिफरेंट नहीं। ठीक है, कल तक लोग आपके पैरविकार थे लोग, लेकिन आज तो खोलकर जो लोग समर्थन कर रहे थे जेएमएम हो या बीजेपी, कोई भी उस पक्ष में नहीं बात कर रहा है। नहीं ना, बात करे ना करे लेकिन सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा ना। अर्जुन मुंडा जब आपका केंद्र में जनजाति मंत्री बना तो इन्होंने बहुत से लोगों को किया और उन्होंने अपने जाति जो टमाड़िया को उन्होंने उसमें भी शामिल कर दिया, जबकि टमाड़िया का कहीं भी आज तक कोई जिक्र नहीं रहा। लेकिन क्या कहते हैं, जब सत्ता में है पावर में है तो आप अपना चीज को कर लिए और जब हमारी बात आती है तो उसको आप करने के लिए या किंतु परंतु लग रहा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं, कुर्मी समाज के और झारखंड के आंदोलनकारी हैं और बड़े नेता हैं। आज हम फिर से बात करेंगे, इसलिए कि आपने देखा होगा कि फिर से एक बार जो कुर्मी का आंदोलन है आदिवासी के दर्जा के लिए एसटी में शामिल करने की जो मांग है वो झारखंड के अंदर तेजी से पकड़ रहा है। हालांकि ये मांग पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन 2 सालों में आपने कई आंदोलन भी देखा होगा। हम इनसे फिर से बात करेंगे कि आखिर जो ये मांग है इनकी कहां तक इसमें बातचीत के द्वारा हो या कोर्ट के जरिए हो कहां तक पहुंची है और क्या क्या आधार है, आखिर क्यों जो है। हालांकि आपने कई तरह की तर्क सुना होगा और जो विरोध करने वाले हैं उनका भी आपने तर्क सुना होगा कि क्यों कुर्मी को आदिवासी के दर्जा नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर से हमारे साथ दादा है, दादा जोहार आप भी बातचीत करने के लिए। और फिर से सवाल वही है कि जो अभी तक की आप लोगों की लड़ाई है, हालांकि लड़ाई तो बहुत पहले से किसी न किसी रूप में लड़ा जा रहा था, लेकिन 2 सालों से ज्यादा सड़कों पर शोर मच रहा है, हंगामा दिख रहा है, आप इस मांग को किस तरीके से देखते हैं और क्या, इसलिए कि पिछले दिनों एक खबर आई कि भाई आप लोगों ने जो कोलकाता हाईकोर्ट में किया था तो उससे रिजेक्ट कर दिया गया, वापस ले लिया गया, तो क्या कुछ उम्मीद बची है आपकी जो मांग है उस पर? देखिए, खास करके कुर्मी लोगों को एसटी बनाने वाला जो मामला है इसमें बहुत सी बातें हो चुकी है और आज भी हमको लड़ना पड़ रहा है, हमारे समाज को लड़ना पड़ रहा है और ये बहुत दुर्भाग्य है। अभी मैं जानता हूँ, मैं तो 1989 में एमपी बना और एमपी बनने के बाद ही उसमें वीपी सिंह था और बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। मैंने उस समय लिख के दिया और लिखने के बाद कि ये कहा कि कुर्मी लोग 1950 के पहले मतलब ब्रिटिश काल में उसको एबोरिजिनल ट्राइब करके कहा जाता था, जिस तरह से संथाल मुंडा हो उरांव खड़िया आदि को कहा जाता था और उसी के श्रेणी में ये भी थे। लेकिन 1950 6 सितंबर को जब ST/ST का जो नामकरण हुआ, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट और जो लिस्ट बना उसमें इसको शामिल नहीं किया गया,
ये तो दुर्भाग्य की बात ही है और अन्याय हुआ है, और इस अन्याय के खिलाफ में हम लोग लड़े आ रहे हैं, हमारी समाज लड़ रही है, और उसके साथ साथ जहां तक मुझे पता है कि 1990 में खास करके जैसे उसके बाद ही मतलब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे लोग है ना, उसके बाद शिबू सोरेन, एंडी होरो, बागुन समरोय, ये जितने भी आदिवासी पुराने नेता थे इन लोग ने भी इस मांग का समर्थन किया। लेकिन अभी तक जियो का त्यों मामला पड़ा हुआ है, और हमारी जहां तक प्रयास रहा पिछले दिनों, और उस समय 2002 जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो भाजपा के ही 15 सांसद मतलब और 2 सांसद थे कांग्रेस के, इन लोग ने लिख के दिया और कहा कि कुर्मी लोग जो एबोरिजिनल ट्राइब था इसको भी संथाल मुंडा हो उराव लोग जिस लिस्ट में है उसको भी उस लिस्ट में लाया जाए, शामिल किया जाए। लेकिन वो एक प्रयास हुआ, उसके बाद 2004 में अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री था उन्होंने खुद यहाँ कैबिनेट का डिसीजन लेकर के इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन वो भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने बात करे ना करे लेकिन सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा ना, आप सच्चाई को नहीं बोलिएगा या चुपचाप रहिएगा या अगेंस्ट में भी कोई नहीं बोल रहा, बोलना चाहिए। यदि हम नहीं थे तो आप बोलो कि लोग नहीं था, ऐसे तो कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं वो उनका कोई मान्यता नहीं है जो लोग बोलते हैं। और जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि 81 एमएलए का ये विधानसभा है, उसमें 42 एमएलए साइन करके दिया, आपको रघुवर दास सरकार थी उस समय, और मैंने सबको एक एक आदमी से खोज खोज के उन लोग से यही निवेदन किया, देखो भाई ये मामला है इसलिए आप समर्थन करते हैं या नहीं। जो लोग समर्थन किया उसमें उन लोगों ने साइन किया, जिसमें 42 लोग साइन किया है, 42 एमएलए, तो हाउस का जो मेजोरिटी है उस हाउस का मेजोरिटी लोग हमारा साथ दिया, और भी दे सकता था लेकिन हम लोग ने उचित नहीं समझा कि चलो 42 लोग दे दिया तो हमारा समर्थन तो हुआ, हाउस का मेजोरिटी हुआ ना। लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों अर्जुन मुंडा जब आपका केंद्र में जनजाति मंत्री बना तो इन्होंने बहुत से लोगों को किया, और उन्होंने अपने जाति जो टमाड़िया को उन्होंने उसमें भी शामिल कर दिया, जबकि टमाड़िया का कहीं भी आज तक कोई जिक्र नहीं रहा। और लेकिन क्या कहते हैं, जब सत्ता में है पावर में है तो आप अपना चीज को कर लिए, और जब हमारी बात आती है तो उसको आप करने के लिए या किंतु परंतु लग रहा। लेकिन आज मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मिला है, सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आपका 11 जुलाई 2023 को, इसमें डबल बेंच है, जस्टिस बी आर गवई और जे बी पार्डी वाला, इन लोग ने कहा है, ये मामला था महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, और इसमें सिविल अपील नंबर 7117 ऑफ 2019 प्रिया प्रमोद गजबे एपिलियंस वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स रिस्पोंडेंट्स। ये जजमेंट कहता है कि मूल रूप से अंग्रेजी में वो दिया हुआ, लेकिन उसका एक छोटा सा सारांश जो है मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उसमें कह रहा है
यदि कोई आवेदक संविधान पूर्व अवधि के प्रामाणिक और वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है जिसमें दिखाया गया है कि वह एक आदिवासी समुदाय से है तो उनके दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि 1950 से पहले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश में शामिल जनजातियों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें तो हम भी हैं, 1950 के पहले हम भी ट्राइब थे। वो दस्तावेज आपके पास है? हमारा पास है और हम लोग ने जब जब मेमोरेंडम दिया है वो 1950 के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ने प्रस्तुत किया है सरकार के पास। इसी आधार पर आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने की क्यों नहीं तैयार? हाँ जाएंगे जाएंगे। अब हम लोग को मिला है, अब एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग का के जो मामला है उससे मिलता जुलता है, तो हम जाएंगे अभी। और ये तो बहुत रिसेंट का जजमेंट है ना, 23 का है, जुलाई महीना। आज तो कौन है? आज 11 जुलाई 2023, दो महीना पहले की जजमेंट है। और ये जजमेंट हमारा मामला को समर्थन करता है, तो इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट क्या किया उस समय वो अब तो कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है ये जो भी लोग 1950 के पहले ट्राइबल था और ऐसा ऑथेंटिक जो अपना कागज प्रस्तुत करेगा तो उसको वो कहता है कि उस मांग को खारिज करने का कोई आधार नहीं है।